ब्यूटीफुल पीपल, आई एम ध्रुव भारद्वाज और आपको जैसे कि पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि मॉन्ट्रियल में ऑलमोस्ट 10 कॉलेजेस का जो CQ है वो टेंपरेरली सस्पेंड कर दिया गया। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस इज दैट शुड वी वरी अबाउट दैट, लाइक हमें वरी करना चाहिए, हमें डरना चाहिए कि CQ सस्पेंड हो चुके हैं? तो इसका जो आंसर है वो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि वो इस वक्त इंडिया में है या फिर कनाडा में स्टडी कर रहा है। एंड इन कनाडा इट आल्सो इट डिवाइडेड इनटू फर्दर कंडीशंस। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा CQ लाइक एक्सटेंड हो चुका है और तो मुझको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास वैलिड स्टडी परमिट भी है, CQ भी है। सो मुझको ना तो वर्क परमिट में कोई दिक्कत आने वाली है, ना फिर मेरे को आगे कुछ और भी अप्लाई करना है इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट अगर जिस बंदे का CQ अभी लाइक यू नो एक्सपायर होने वाला है 1 month, 2 month, or 3 month के अंदर, सो उसके वो थोड़ी यू नो लाइक प्रेशर होगा दिमाग के अंदर कि अब क्या करें, सस्पेंड कर दिया गया है मेरी स्टडी, मेरे को अब एक्सटेंड करानी पड़ेगी और ज़्यादा। सो उसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि आपको वेट करनी चाहिए। दिस विल बी द बेस्ट यू नो ऑप्शन। अगर आप कॉलेज चेंज करते हो अंडर प्रेशर, डिफरेंट प्रोविंस में मूव होते हो या फिर कॉलेज से आप अपनी रिफंड लेते हो फीस को, तो इसमें एक तो आपका नुकसान होगा, आपको आपने जो इतनी ज़्यादा फीस पे कर रखी है पहले से, यू नो लाइक $20,000 आपने अब तक पे कर चुके होंगे अप्रोक्सीमेटली, आपकी वो तो लॉस्ट हो जाएगी पूरी, और साल या 1.5 साल का जो आपने स्टडी करी है मॉन्ट्रियल में वो आपका वेस्ट हो जाएगा टाइम। सो इट लाइक यू नो इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट्स बेटर नॉट लाइक यू नो इट्स बेटर नॉट मूव टू अनदर प्रोविंस और टू चेंज योर कॉलेज। सो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप वेट करिए और देखिए कि क्या यू नो वो बताते हैं क्यूबेक वाले। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए मैं आपको बताता रहूंगा क्या चल रहा है आजकल इमिग्रेशन में या फिर क्या आजकल नई अपडेट आ रही है क्यूबेक की जो वेबसाइट ऑफिशियल इमिग्रेशन से रिलेटेड। एंड अनदर क्वेश्चन दैट अराइजेस इज के मॉन्ट्रियल स्टडी के लिए अब आना चाहिए आफ्टर द CQ सस्पेंशन और नॉट। सो वेल मॉन्ट्रियल इज यू नो लाइक इट्स वेरी अफोर्डेबल प्लेस। यहाँ पर आपका कार का इंश्योरेंस, घर का रेंट जो होता है और यू नो बाकी जितने भी खर्चे हैं वो कंपेरेटिवली ओंटेरियो से या BC से काफ़ी कम है। अगर आप कार की इंश्योरेंस ही ले लीजिए तो मैं अपनी कार की इंश्योरेंस इस वक्त $70 कुछ पे कर रहा हूँ और यही अगर मैं ओंटेरियो में जाऊँ तो मुझको जो पड़ेगी वो कम से कम पड़ेगी 200 की या 250 की। सो यू कैन कंपेयर लाइक इट्स लाइक इन ओंटेरियो इट्स सो मच एक्सपेंसिव। एंड आल्सो लाइक फॉर द रेंट, you know if you are living in the Ontario then you have to pay you know like high amount. अगर आप sharing में भी रह रहे हो तो उसके अंदर भी आपको 300-400 something pay करना पड़ता है, और Montreal में आप 300-400 के अंदर आप private room में भी रह सकते हो। So it's Montreal is affordable, so you should come in Montreal, but आपको यहाँ पर जो है like you do not have to come in those colleges which are CQ is temporarily suspended. आप उन कॉलेज में आ सकते हैं जिनका CQ सस्पेंड नहीं हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट कॉलेजेस है, जैसे कि लसाल कॉलेज जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है, आप वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और दे आर लाइक मैनी अदर कॉलेजेस लाइक दी यू नो एवरन कॉलेजेस, और आप यूनिवर्सिटीज में आ सकते हैं, कनकोडिया यूनिवर्सिटी हो गई है। तो देर आर अदर थिंग्स टू यू नो एक्सप्लोर इन मॉन्ट्रियल। सो दैट्स ऑल। So for more videos, please subscribe to my channel and click the bell icon to get all notifications on the time, as well as hit the like button and share this video to your friends. So aisi aur videos ke liye like ab aati rahegi, par week mein ek na ek video to zarur upload karunga related to the life experience of mine as an international student in Canada, Montreal, as well as I will be sharing my you know recommendations and the things which I have learned in last 1.5 years in Montreal. So this will be a very you know pretty good journey with you. So let's start the good journey and begin the new year with the great hope.